सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर। इस टाइम भाई हल्का विरोध दागी जो उठा पटक है बहुत जबरदस्त गहमागहमी चल रही है। और भाई जो हड़ा इस जंगल में इस दंगल में कई पहलवान देखने मिले हैं, लेकिन उनमें भाई उठक बैठक का दौर भी चालू हो गया है। तो भाई अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी तो योगेश्वर दत्त, और भाई कांग्रेस पार्टी तो है इंदुराज यानी कि बालू भी कहते हैं। और भाई इस टाइम हम पहुँचे हैं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की कोठी पर। भाई बहुत बड़ा दौर चल रहा है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने अपना पर्चा भरा, जिसमें कि समर्थन करण खेतर भाई हल्का मैम के जो विधायक हैं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू उनने भी समर्थन कर खा पंचायत में भी बड़ी बड़ी बात हुई है। तो इस टाइम भाई आड़े तो हम देख लो पूरा रोड जाम हो रहा है। भाई पहले तो जय हरियाणा बोलते जी लाके जय हरियाणा जय हरियाणा के बाकी में जी साथ लिखट रहा की मैं सुरेंद्र बिचपड़ी से बोल रहा हूँ। हाँ बिचपड़ी गांव सारा पूरा इसे कपूर के साथ है। हाँ जो भी हारी बीमार में कपूर ने हल्का में कोई भी ऐसा घर नहीं छोड़ रखा होगा जिसके घर नहीं गया होगा। हारी बीमारी साथ रहता है। मैं कैमरा मैन थी कहूंगा कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की कोठी के ऊपर डंडा दिखावे। डंडे के ऊपर झंडा नहीं है, नहीं बात देखा है कि झंडा कौन सा लगेगा। लेकिन भाई निर्दलीय का झंडा का रंग कौन सा वो भी पूछेंगे जाके भीतर पब्लिक लगाओगी। मैं ईश्वर बुटाना से बोल रहा हूँ, झंडा पब्लिक लगाओगी और कोई नहीं लगाओगा। पब्लिक कंपनी का लगेगा। अब देखो कौन सा लगे, जैसे डॉक्टर साहब चाहूंगे ऐसा लगेगा। चलो भाई डॉक्टर साहब तभी मिलेंगे आज हमारे गिला और देखेंगे के माहौल है। और सूत्रों का हवाले तो हमने तो जानकारी मिली है भाई थोड़ी आण में, भाई थोड़ा ब्रेक मारी एक बार थोड़ी सी आण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आण की संभावना भी बन रही है भाई। बड़ी राजनीति टेढ़ी राजनीति। बाकी नो का आग्रह भाई को गाना है बोले मेरा दिल ऐसा तोड़ा और मुझे कहीं का ना छोड़ा है, उस तरह की बात भी हो सके है। के मामला बनागा आज हमारे गिला है। और भाई पूरा गहमा गहमी और जबरदस्त डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की कोठी के ऊपर इस टाइम तो हम देख सको हम भीतर पहुंच गए हैं। और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल मिले तो उनकी भी बांह कटवाएंगे क्यों करके मामला चल रहा है। भाई इलेक्शन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग दौर में इंटरेस्टिंग मोड में पहुंच गया। हाँ जी हमारे दोस्त का ना राम राम कर दे जी। राम राम। आवाज नहीं लिगड़ी के बात। राम राम जी। ना आवाज में दम नहीं है। पहले तू बोल रहा था तेरे में कौन लगे हम राज करमो। पहले तू बोल रहा था बस सारे भाइयों ने राम राम धर्मो तो एक के बाद है करमो धर्मो को सारे भाइयों राम राम तू कर रहा था बड़ा ना करी भाई। मैं बाहर तक कर आया हूं। अच्छा और बाहर तक कौन करी हमने करी है। राम राम जी। राम राम। राम राम। हां अच्छा के पोजीशन है। बढ़िया जी मेला की खबर रही हूं। मेला न्यू भरया जी। आज अपना हल्का इकट्ठा हो रहा है। अच्छा के नाम आपका? राजेंद्र। कौन सा गांव है? गांव कथूरा। गांव कथूरा। कथूरा में पंचायत भी हुई थी। पंचायत दो बार होली कल भी हुई थी। ये मामला चढ़िया फिर सिरे चढ़िया की में कपूर गेल है गांव। अच्छा हल्का भी गेल है। कपूर गेल है गांव के नरवाल गेल है। नरवाल कपूर बड़े सवाल है। कपूर गेल है। कपूर गेल है। कपूर नरवाल गेल है। अच्छा कपूर। हाँ। मजा आएगा भरपूर भरपूर हैं बनेंगे क्यों करके मामला समीकरण क्यों कर बनेंगे। बढ़िया सोचेगा बड़ी आदमी समाज का हित में फैसला लेगा जो भी फैसला लेगा हम इसके साथ। चलो बहुत बढ़िया। आज भाई और ने पूछेंगे क्यों करके मामला का आग्रह नहीं है बोले मन की बात ढंग की बात राडे रंग की बात है। बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ ना जी। हम तो डॉक्टर कपूर के कार्यकर्ता हूँ। अच्छा बीजेपी का लोग हम रंग तो मंगा ऐसा लगे रंग तो बीजेपी रंग ये खतरा का लाल रंग है। ये खतरा का है। खतरा का है। ये क्रांति का प्रतीक है। ये कांग्रेस का खतरा का रंग है। ये के सिस्टम के विचार चल रहे हैं। डॉक्टर कपूर अगर बने रहते हैं मैदान में तो कांग्रेस पार्टी 100% हारेगी। अच्छा। और डॉक्टर कपूर अगर कांग्रेस के समर्थन में आते हैं या अपना नामांकन उठावे हैं तो फिर कांग्रेस को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये कांग्रेस की हार जीत का मामला है कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के अस्तित्व का जीत की लड़ाई का मामला है। डॉक्टर कपूर हुक्म का इक्का है। अगर मैदान में रहेंगे तो डॉक्टर कपूर जीतेगा। ठीक या डॉक्टर कपूर की छवि बड़ी बात कितने। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब हमारे दर्शक ने राम राम कर दियो जी। राम राम जी। राम राम। लाइव जुड़ रहे हमारे दर्शक के गिल्ला है। बिल्कुल डॉक्टर साहब अब तक जितने भी हमने व्यूज लिए हैं न्यू कहे डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल हुकम का इक्का है के चक्कर है यू है इस बात में कुछ निकलना चाहता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे जब कहूंगा ये। अच्छा जी
उसके बाद ही मतलब पत्ते खोलोगे भाई। हुक्म का पत्ता है जिस तरह हुक्म, उसमें डब्बे में तांस के 54 पत्ते हुए हैं, 52 पत्ते हुए हैं। नहीं तो जोकर भी तो हो नहीं, जोकर भी हो भाई दो तो, हाँ। और कई बार नहीं होने मेरा पड़ता जोकर का सूट आ जाए जोकर का, हाँ बिल्कुल। तो भाई 52 पत्ते हुए हैं उनमें, तो भाई हुक्म का इक्का बता जा रहा है डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को। लेकिन भाई कुछ भी कांड था यानी कि बचे हैं टड़े हैं, तो और भी जिस तरह धरती भीतर ही दिखा दिया मामला। और आज भाई तो कितने हो कब, राम राम भाई, राम राम हमारे दर्शक ने भी राम राम कर दिया भाई। संसार क्रांति के सभी दर्शकों को संदीप लाद के राम राम भाई, किसान किसान कांग्रेस से, किसान कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस में भी कई धड़े होगी? नहीं ये सेल है जी, किसान सेल है। अच्छा फिर ठीक है, मैंने सोचा मां के देख किसान ने अलग तक कांग्रेस बना दी, किसान कांग्रेस जो तृणमूल कांग्रेस होगी हैं, न्यू एम का हमने अलग बना दिया। ना ना ये किसान सेल है। अच्छा ना ना रास्ता इधर रोकना अपन, ठीक है भाई धन्यवाद। ना या हुक्का पे पंचायत हो रही भाई, हुक्का पे चर्चा आज मार गए और भाई पूछांगे चल रहा है। हाँ जी थोड़ा 100 ग्राम बात दियो जी भाई, दोनों को घुमा लिया। अच्छा कैमरामैन थी घूंगा सीधा थोड़ा, आज 90 डिग्री का कोण बना ले। सारे की राम राम करते हैं जी, एक बार तो सारे राम राम करते हो जी। जी लगा। अच्छा क्यों करके है जो मान ले पंचायत भी हुई है, पंचायत का दौर भी चल रहा है, और ईब डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के घर पर जिस तरह इकट्ठे हो रहे हो, बटले हो रहे हो, के विचार चल रहे हैं? देखिए समय और हालात को देखकर कोई बढ़िया फैसला लिया जाएगा। ये बता अभी पूरे मंच के जो माहिर हो रहे हो तुम है ना ना। हाँ जी क्या नाम आपका? सुरेंद्र सिंह जी। कौन से काम थे? कटवाल से जी। कटवाल से क्या लागा आपने, क्या मॉल बनाया? बस जो भाईचारा इकट्ठा हो रहा जी बढ़िया मॉल बनाओगे। अच्छा आज फैसला करोगे? हाँ फैसला करोगे। अच्छा हाँ जी बताते जी। मॉडल कैमरामैन थी कौन, अनुशीत महाजे भाई। हाँ जी क्या नाम आपका? धीरज। हाँ जी धीरज। धीरज धीरज भाई इतने धीरे। अच्छा अच्छा चलो बस नाम नाम पूछ लिया कोई बात नहीं, चलो नो कमेंट। यह है भाई गुप्ती बोट। हाँ गुप्ती बोट है, बस होगी देसी अंदाज में। हाँ जी क्या नाम भाई जी आपका? संदीप भाई। संदीप संदीप भाई क्या लागे है, किस तरह का फैसला लिया जाओगा आज आड़े जो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का घर पर जो देसी पंचायत है? भाई जो बड़े फैसला लेंगे हम तो उनका गिल्ला। हाँ हाथी की पैड में सबकी पैड है। तो भाई कारण का मतलब यू है भाई, नपे तोले बयान आ रहे हैं, नपे तोले। अच्छा हाँ जी हाँ ये इन बिना के है। और सीट पा जाओ जी, और सीट पा जाओ। तो भाई किसान नेता सत्यवान जी मारे गेला मौजूद है जो जी, यू तो बैठने का टाइम को नहीं तो खड़े होने का टाइम है। हमारे दोस्त का राम राम करते हैं। राम राम भाई सारे भाई। तो आपका हमने मंडी में तो भाषण सुना था, आपने कहा था किसान ने की आवाज बुलंद कर जो करेगा उसका गेला लगाएंगे। बिल्कुल ये विचार बना किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और बीजेपी का दिमाग ठकाने के लिए करने के लिए पंचायत हो रही है, और डॉक्टर कपूर हमारे धुरंधर नेता सारे पंचायती लोग मौजूद हैं। जो भाई डॉक्टर कपूर फैसला लेंगे ना वो ही मंजूर है भाई, वो ही मंजूर है। हाथी की पैड में सबकी, बिल्कुल हाथी की पैड में सबकी पैड। चलो भाई चलो। अच्छा न्यू बताओ के लागा अपने किसान की आवाज उठाने की अगर बात करा तो कांग्रेस ज्यादा बढ़िया विकल्प है, बीजेपी ज्यादा मजबूत विकल्प है? ऐसा है पार्टी तो सारी लगभग एक जैसी होती है, यहाँ तो आदमी देखना है। जो हमारी पैरवी करेगा किसान की पैरवी करेगा ना उसने डॉक्टर कपूर, हमारी तरफ से तो कपूर ही है, कपूर उस भाई ने दो या अपने आप रखो, यानी कि एक एक रखेंगे इसका दिमाग ठिकाने लाने खातर, इसकी जमानत जब्त करवाने खातर, ये बात पक्की है भाई। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है वह कहे हैं भाई यू जो इलेक्शन है वो अध्यादेश के ऊपर को नहीं, यू तो बड़ौदा का विकास के ऊपर चुनाव है, यू इन तीन काले कानूनों के ऊपर भी है, कर्मचारियों के ऊपर भी है, इन की सरकार ने भी जो खेल खिलाड़ी बच्चे थे 1500 हटा दिए और पीटीआई भी हटवा दिए, और जो मजदूरों का भी इलेक्शन है क्योंकि मजदूर का जो कानून बनाया है सरकार ने 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी, तनख्वाह दी कम देनी पड़ेगी, और फैक्ट्री के मालिक की मर्जी होगी जब चाहे हटा देगा जब चाहे रख लेगा, और जो बिजली है ना वो भी प्राइवेट कर दिया अंबानी अडानी का कर दिया। यू इलेक्शन अंबानी अडानी का और कमेरे वर्ग का बीच में होना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यानी कि जितने मुंह उतनी बात। आप अच्छा फिर आप क्यों पाछे हो, आप भी काट लो अपने कसर, पूरा परिचय भी दे दो। मेरा नाम धर्मपाल मलिक है, मैं सर्व कर्मचारी का तमाम महकमे विभागों का जिला का प्रधान हूँ। हरियाणा सरकार का जो चरित्र है साल चरित्र और चेहरा वो बिल्कुल साफ है। इन्होंने पीपली में किसानों को पीटा है, हमारे 1983 पीटीआईओ को निकाल दिया है, और अपने आप लगाए हुए जो
आनन फानन में लगाए थे जिन चुनाव के खुद लगाए थे ग्रुप डी के 1513 कर्मचारी स्पोर्ट कोट जो लगाए थे 1513 कर्मचारियों को उनको भी निकाल दिया है। आशा वर्कर दुखी, हमारी आंगनवाड़ी दुखी है, रोडवेज के महकमे को बेचना चाहते हैं, हिंदुस्तान स्तर के ऊपर रेलवे को बेच दिया है, बिजली के महकमे को बेच दिया पूरे हिंदुस्तान स्तर के ऊपर, और ये पेट्रोलियम और गैस के भाव रोजाना बढ़ रहे हैं। नहीं ये बताओ, यह तो जैसे कांग्रेस के टाइम में भी हुई है काम, तो कांग्रेस के में हुए, दो दो तीन तीन रुपया के चेक दिए गए किसान, सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच रही है सरकार। और हमारा दिमाग में ये की सवाल है भाई कपूर सिंह नरवाल और तमाम हम लोग मिल करके भाजपा की बैरी गूंगी सरकार को बताएंगे कि हिंदू हरियाणा बरोदल का जो किसान है मजदूर है कितना स्वाभिमानी है, और इकट्ठे होकर के इसकी जड़ों को खोजने का हम काम करेंगे। चलो बिल्कुल लड़ाई करेंगे, लड़ाई। हाँ जी, क्या नाम अपना? राम। मेरा नाम रामदिया कोच है, कथुरा गांव से हूँ, मेरे 700 बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। कबड्डी कोच हूँ, सारा दंगल आप डाटर के। हाँ तकरीबन, ठीक है। और सबसे पहले ये बात है भाई, मारा कोई मतलब नहीं, कोई की तेग को मिल रहा था, जो मारा मतलब है बेरोदल का है। ये भी नहीं बताओ भाई जी, कोच साहब भूपेंद्र सिंह को डांड लग रहा है, किस तरह की राजनीति? क्योंकि सिंह गुड्डा एक झूठा आदमी है, बिल्कुल झूठा आदमी है, गंदा आदमी, हम गंदा ही कहूंगा। जब उन्हें जब हम उसने हमारी टिकट को लेकर काट दिया और उसको दूसरे को दे दिया, बड़ी बात, बड़ी बात। उस आदमी ने जब हमारी टिकट हमारे को मिली, विश्वासघात कर दिया हमारे साथ। और एक वो बता नहीं, वो बोले मेरा दिल ऐसा थोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा। उस आदमी पर यार क्या विश्वास करे, है मेरे गांव का, इस एरिए का कपूर एक ऐसा आदमी था जो अगर उड्डा साहब उसको टिकट देते तो यहाँ उसको आने की और पब्लिक को घूमने की जरूरत नहीं थी, 100% जीतते, घर बैठा जीतो। आज एक इसी आदमी को टिकट दे दिया उसने, तो आज यहीं से देख लेना आप, मैं खुद हूँ, अगर मारा कपूर भाई बैठता है तो मेरे साथ मेरे गांव के 100 बच्चे हैं, ठीक है। और मैं सीधा जाऊंगा पहलवान को अपना समर्थन देंगे भाई। भाई बहुत बड़ी बात, बड़ी बात, कोच साहब ने सीधा ऐलान कर दिया है कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को जो मतलब जो प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतारा गया कथुरा गांव में। ये मेरी से विनती भी है, हमारे नाम से दफ्तर खोला जाए, हम वहाँ बीजेपी दफ्तर खोल लेंगे। आग्रह नहीं बोले, जितने मुंह उतनी बात, बड़ी बड़ी बात लिखकर कह रही है योगेश्वर दत्त की। किसानों की बात करो, किसान भी कोई उन आदमी है जो किसानी के लांडे हैं, उनमें कोई छिदा आदमी पाओगे ना, तो कोई किसान के पास बात करें। हाँ, 20 किले वाला किसान है उनके पास है, जो आज मना कर रहे हैं। छोड़ो, उनके पास कोई 20 किले वाला किसान नहीं है। वो क्या कहते हैं बीजेपी ने क्या कर दिया, देखो सरकार में सबके काम नहीं होया कर दे, ठीक है। बीजेपी ने क्या नहीं कराया, सब कुछ कराया। आज किसान बैठे हैं, उनके देखो खाते में कितने पैसे आ रहे हैं, 2,00,000 रुपया आ रहे हैं। मेरा मेरा काका आ रहे भाई, मतलब मेरा गाँव में 5-6 करोड़ पैसा आया है जो बीजेपी ने डाल्या है। सब आपकी सिद्धि दो टुक बात है कि भाई, एक और बात कहूंगा भाई, मेरा गांव भाई सत्यवान प्रधान बना रहा क्या किसान यूनियन का, ठीक है। मैं दोस्त को भी ठग बग मानता हूँ, मुंह पे बात पानी। क्या होया भाई, क्या होया, मेरे गांव में कपूर साहब आ रहे थे, पीठ पीछे नहीं करना चाहिए, मुंह पे करना चाहिए। कहता हूं मेरा भाई खड़ा है शमी, ठीक बात, ये बुरा मानो तो मानो, लेकिन ये मैं सच्चाई कह रहा हूं, 10 बार मानो बुरा मानो तो कपूर साहब आ रहे थे। मैं और संदीप भाई किस है, ये संदीप भाई है, या बोले हमने नु कही भाई तू एक बार गाड़ी दे दे और पन्ना में का प्रचार कराए, भले अब अपना दंबा करो ना, नु कह दिया गाड़ी का कचड़ा बन रहा है ना, अपना दंबा है। मैं यहां पूछूं भाई, मैं यहां पूछता हूं किसान यूनियन के प्रधान से, क्या वो गाड़ी अपने घर की ले रहा है? ना ना, इस पर बात याद आ गई, बोले अरे भाई तेरी गाड़ी दे दे, बोले भाई गाड़ी का तो कचड़ा बन रहा है, बोले भाई कचड़ा खोल ले, नहीं जब कितने जाना हो ना उसमें आ जाओ भाई, फलाने धगड़े आ जाओ, उड़ते घूम गा चीज, ये गाड़ी आज का न्यू चल रहे हैं। मैं तो यहाँ कहूँ भाई, किसान का बदनाना तो प्रधान भी साठाओ, किसान जिसके पास है, किसान है और जो दिलते है कि खांदा पिंदा ना हो, मारे बीच रन दाओ। मैं तो यह चाहूँ भाई, सी कान ला मोने गुड्डा मरवा दे, सी भाई मरवा दे, थोड़ी इसकी विकेट वाले आ रही है। कोच साहब के नाम भाई जी? सुमित है भाई साहब, कथुरा से। अच्छा सुमित कथुरा, और काम रह गया अधूरा? बिल्कुल जी, काम अधूरा रह गया जी, डॉक्टर साहब के साथ थे जी, डॉक्टर साहब कांग्रेस को नहीं अब भी हैं जी, डॉक्टर फैसला को नहीं, इबे तो महापंचायत होगी भाई, इबे तो महापंचायत होगी। जब डॉक्टर साहब बैठेंगे ना, जब बैठाए भी जाओगे भाई, सीधे बीजेपी में जावांगे। अरे एक बात और करमु भाई, कपूर साहब के पास है, मेरा गांव का है, गांव के कपूर के पास वो आदमी उसको बैठाने आ रहे हैं, जो
कपूर के पास हाथी बिठाने आ रहे हैं कपूर को, जो कदे कपूर के होए नहीं दिखे नहीं और वो बिठा रहे हैं ना। तो भाई मैं तुम कहूँ जब हमारा भाई आज भी उनके वो भी ना दे हमारी वोट, लेकिन यो जो विरोध दल का ना और सारा कपूर के लिया है और जीतेगा खड़ारवा का, तो खड़ारवा जीतेगा और वो डाने को रखा हूँ धोखा ना दिया अगर इस आदमी ने पछता होगा और जतन मारती धोखा ये तेरे के लिए धोखा होगा, तू आगे नहीं आओगा सीएम। बोले तेरे नैना ना तेरे नैना बड़े दगाबाज रहे हैं, दगाबाज रहे बोले तेरे नैना बड़े दगाबाज रहे हैं बिल्कुल। तो भाई हाँ जी ले तजुर्बेकार वोट, तजुर्बेकार वोट से भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम है भलेराम नरवल। किसका भला होगा? भला अरे होगा जिसका होना है उसे का होगा। अरे तो होगा बलेराम जी, भला किसका होगा? भला होगा कपूर नरवल का। अच्छा, और हम जो है ना सारे, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल गढ़वाल से हूँ भाई और दलित दलित नेता हूँ, चमार महासभा का संगठन सचिव हरियाणा का। हम तो इसका जहाँ पसीना पड़ेगा खून बहाएंगे और इनके साथ रहेंगे सारा हल्का दलितों का। हम जवानी जिंदाबाद, सीधी बात है, एक तरफा बात है। अच्छा न्यू बताओ, जय जिसका भूपेंद्र सिंह उड़ान लग रहे हैं हाँ। और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को किसी तरह यहाँ पटा लिया ना, पटा लिया नहीं मना लिया हाँ। माले मना लिया किसी तरह यहाँ, तो फिर क्या सिस्टम बनेगा? हम नहीं मनाने, हम तो भूख हड़ताल कर देंगे। डॉक्टर साहब ने जलेबी मंगवा दी, तो जलेबी में पानी आओ कर हमने चल दिए नहीं जलेबी, हमने तो यू चाहिए है बस। ले भाई जलेबी जलेबी की तरह यहाँ घूमते जवाब और घूमते सवाल, और भाई ने कहा गुवाने की जलेबी भी नहीं चंदी हमने, हमने तो डॉक्टर कपूर नरवाल यानी के भाई न्यू कैस का मोस्ट डिमांडेड नेता इस टाइम डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल हो गए हैं। और भाई जो आड़े जो भीड़ जमा हो रही है डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को न्यू चाह भाई वो मैदान में आवे और भाई लड़ाई जीतता है। एक तरफा वन वे जमाने तब कटे बीजेपी की। तो भाई यानी के बड़ी बड़ी बात बड़ी बड़ी बात हो रही है भाई यार, तम चुकर देख सको कैमरा मैन दिखूंगा भाई, कोई बैठा है कोई खड़ा है और सर डाल के मानस आ रहे और लगभग कैमरा मैन जी कहूंगा थोड़ा सा ऊपर आ जाए पहाड़िया में चढ़ के दिखा दे चुकरते। मेरे ख्याल से इतनी वोट तो आड़े इबे हैं जितने एक विधायक ने जितने खटर जी हैं, आड़े जी खड़े होकर दिखा दे भाई है इतनी वोट तो हमने ऐसा लागे है कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के घर को इतनी वोट आंडन लग रही है जो कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को जिताने खातर काफी है। कोई हुक्के पर चर्चा कर रहा है, कोई चाय पर चर्चा कर रहा है और कोई मोबाइल पर चर्चा कर रहा है, तो चलो भाई और भीतर तीन देखांगे पूरा पूरा घर न खंगालांगे। गहमा गहमी पूरी हो रही है और भाई कितने होके पर पंचायत हो रही है और कितने होके पर चर्चा हो रही है, तो हाँ कोई नहीं बेचा में बिजी हो रही है तो हाँ कोई बात नहीं हाँ हाँ जी राम राम जी राम राम। ओहो चेयरमैन साहब क्या हाल चाल है हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया। राम राम सारे दर्शकों ने भाई, आपके बड़े बड़े नेता कुर्सी कौन कुर्सी जमा ना कुर्सी का रोला सारा राम राम भाई नहीं सुनो तो सारा रोला कुर्सी का रोला कुर्सी का। अच्छा नहीं बताओ चुप करके सेटिंग बाजी होगी? मैं सेटिंग बाजी की होती डॉक्टर कपूर नरवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का भाई? डॉक्टर साहब ने फैसला कराया है, आई पे फैसला आया कि है आ जाएगा आ जाएगा तो नहीं ना, बहुत बहुत धन्यवाद करना है। हम किस दिन का के बातचीत हुई कमरा के भीतर? मैं कमरा के भीतर नहीं खुला करी हूँ, दो बार साफ आत्मा का आदमी है और खुला बात करी है भाई मारे हम अपने पूर्वजा के ऊपर ये यो दाग नहीं लागण जा हुड्डा साहब की चौधर राखण ताई मैं अपना नाम है विड्रॉल कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सब के लिए। सुना तो कौन ही हुई है? चलो कर देंगे वो। कर देंगे हम उम्मीद हमने तो उम्मीद नहीं इसका नहीं है बात वाली सारी। चलो ठीक है भाई ठीक है जी राम राम। तो हाँ भाई तो कहने का मतलब यू है कुल मिलाकर बात यह है कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल इस टाइम मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट वांटेड, वांटेड का मतलब चाण वाले तम दूसरे डाल का मोस्ट वांटेड ना समझियो भाई, तो मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट इफेक्टिव हल्का में अगर कैस कहा तो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल है। और भाई आड़े कुछ यूथ और कुछ कोच और कुछ खिलाड़ी हमने इसे भी मिले जो न्यू कहा है कि भाई डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जब मैदान में नहीं आए हैं तो हम सीधा सीधा समर्थन पहलवान योगेश्वर दत्त का करेंगे।
तो भाई राजनीति में नए नए पेच और नई नई तिकड़मबाजी भी दिखने लगी है। तो भाई पल पल की जानकारी खातर तो हम संसार क्रांति का गिल्ला बने रहो और अगली अपडेट खातर एडी ठाठा के बाढ़ देखो भाई। ठोको शेर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।